हम लोग अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे थे, उसमें कहाँ तक पढ़ लिया था? अभी एक पढ़ा था ना, क्या नाम है उसका? करंट रेशियो। अब हम बात करते हैं क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। क्या नाम है? क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। या एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फार्मूला पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? क्विक एसिड डिवाइडेड बाय, बोलिए, करंट लायबिलिटी। ठीक। तो उस दिन काफी डिस्कशन वैसे इस पर भी हो गया था हम लोगों का। क्वेश्चन लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसमें लिखा है करंट लायबिलिटी 50,000, करंट असेट, करंट एसेट दी गई है 80,000। ठीक है, इन्वेंट्री दिया गया है 25,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। ट्रेड रिसीवेबल 30,000। थर्टी थाउजेंड। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना होगा? एक तो हमें चाहिए क्विक एसेट। क्विक एसेट या लिक्विड एसेट कैसे पता चलेगी? ये करंट एसेट है, करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्री पेड एक्सपेंसेस, ये हुआ 80,000। माइनस इन्वेंटरी हमारी कितनी है? 25,000 माइनस 5,000, टोटल हुआ 50,000। करंट लायबिलिटी कितनी दी गई है? ट्रेड रिसीवेबल कहाँ लिखेंगे? क्यों? ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? डेटर ना, वो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो करंट असेट में पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। तो यहां लिख देंगे 50,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 1:1, या हम इसको कह सकते हैं 1:1। यही हमारा स्टैंडर्ड रेशियो भी होता है। क्विक असेट का स्टैंडर्ड रेशियो जो बताया गया, आइडल रेशियो जो बताया गया है, वो क्या है? 1:1। एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, सब में एक एक दो दो जो भी है करा देते हैं, बाकी पूछिएगा कि डाउट होगा तो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल 10 लाख, वर्किंग कैपिटल कितनी दी गई है? 10 लाख। ठीक है, टोटल डेट 45 लाख, टोटल डेट 45 लाख, नॉन करंट डेट 40 लाख। ठीक, इन्वेंटरी 4,75,000, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 25,000, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? क्विक रेशियो।
कैसे निकालेंगे? पहले तो हमको क्विक एसेट निकालना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा क्विक एसेट का? हाँ, वर्किंग कैपिटल तो ये है, हमारी नॉन करेंट एसेट ये है 40 लाख की, इन्वेंट्री इतनी है और प्रीपेड इतना है। अब बताओ कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो यहां से करेंट लायबिलिटी, देखिए मैं कर नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए तो हम करेंगे। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब कैसे पता चलेगा? 10 लाख ये है। हाँ, करंट एसेट में ठीक है। इस तरीके से नहीं निकलेगा। आप देखिए सवाल को पहले पढ़िए। ये वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का हमें पता है, मान लो ये 10 लाख है। अब यहां पर करंट एसेट क्या है कहीं दिया? क्वेश्चन नहीं दिया ना, और करंट लायबिलिटी भी कहीं नहीं दिया है। तो दो दो ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता है। अब आते हैं, कुछ ढूंढते हैं, अगर कोई क्ल्यू मिलेगा वहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। एक बात पता है, टोटल डेट का, टोटल डेट हमारा कितना है 45 लाख, और इसमें बोल रहा नॉन करेंट डेट। ध्यान से पढ़ना है, डेट दो तरीके के होते हैं, एक नॉन करेंट, यही तो होता है ना, और एक हमारी जो करंट डेट होते हैं जिनको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब टोटल डेट 45 लाख है, अगर मैं करंट लायबिलिटी निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा? टोटल डेट इज इक्वल टू 45 लाख हुआ, इसमें से नॉन करंट बाहर कर दें, ये पता है हमको 40 लाख। अब जो निकल करके आएगा 5 लाख, दिस इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। ठीक, तो हम करंट एसेट का पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। कैसे? ये वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी है 10 लाख, करंट एसेट कितनी है पता नहीं, करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी बोलो, माइनस 5 लाख। यहां मतलब यहां लिखेंगे 5 लाख। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, इधर ले आएंगे 10 लाख प्लस, ये जब इधर से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 5 लाख इज इक्वल टू करंट असेट, मतलब करंट असेट इज इक्वल टू 15 लाख हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं, या डाउट है? और करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है और करंट असेट कितनी है 15 लाख। ठीक, अब करंट असेट में से अगर मुझे क्विक असेट का पता करना है कितने, कैसे करेंगे? करंट असेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी है 47, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? तो हमारी ये जो निकल करके आएगी क्या है 10 लाख, ये 10 लाख क्या कहलाएगा? क्विक एसेट। अब क्विक एसेट हमारी 10 लाख हुई डिवाइडेड बाई, यहां लिख देना क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी निकाला ना 5 लाख, तो क्या बना 2:1। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? आगे थोड़ा सा एक बात समझते हैं, एक क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको लिखूंगा नहीं, एक इलस्ट्रेशन इसमें दिया गया है, लिखा है क्विक रेशियो ऑफ कंपनी इज 1.7:1। क्विक रेशियो हमारा क्या है 1.7:1, ये क्या है क्विक रेशियो। ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लिखा है
परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, मतलब हमको करना क्या है, स्टेट गिविंग द रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव रिड्यूस आर नॉट चेंज द रेशियो, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, ये कह रहा है क्विक रेशियो ऑफ कंपनी 1.7, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव रिड्यूस आर नॉट चेंज द रेशियो। बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहा है, जरा ध्यान से देखना है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, जब हम कैश में इन्वेंट्री खरीदते हैं तो हमारे रेशियो पर, क्विक रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा बताइए, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, ध्यान देना, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब हम यहां पर क्या लिखते हैं, ध्यान देना, क्विक असेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, इससे कहां फर्क पड़ेगा? जब हमने इन्वेंट्री परचेज किया, कोई भी गुड्स खरीदा, तो हमारी इन्वेंट्री जो है इंक्रीज कर गई और हमारा कैश डिक्रीज कर गया। ध्यान देना, क्विक असेट में इन्वेंट्री है या नहीं है? नहीं। ठीक है, कैश है कि नहीं है? जब हम खरीद लेंगे तो कैश कम होगा कि नहीं होगा? मतलब ये डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये करंट असेट खरीद, तो क्या कहते हैं, हम अगर करंट रेशियो निकालते, ध्यान देना है, अगर मैं यहां पर करंट रेशियो निकाल रहा होता तो करंट असेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी लिखता। अब करंट असेट में इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, इससे करंट असेट बढ़ गई, और कैश डिक्रीज हुआ, इससे हमारी घट गई। जितना बढ़ी उतने घट गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट जब क्विक रेशियो निकालते हैं तो इन्वेंट्री तो क्विक में है ही नहीं, तो वहां फर्क तो नहीं पड़ा, बट कैश हैज बीन डिक्रीज्ड, मींस क्विक असेट हैज बीन डिक्रीज। तो जब हमारा न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाता है तो रेशियो भी घट जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ना है, मैंने इस सवाल को इसीलिए करना चाहा है कि हम सवाल तो फार्मूला याद कर लिए, कर रहे हो जाता खुश रहते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है रेशियो, लेकिन लोग भूल जाते हैं। क्यों? कई फार्मूले याद करते रहते उसको। कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स, बताइए, डेटर से कैश कलेक्ट किया, क्विक रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे? ये दोनों क्या क्विक एसेट में हमारे है? बोलिए। हाँ? है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं एक सवाल अपने मन से पूछ लेता हूं। अच्छा नहीं, चलो अभी इसी पढ़ ले। सेल ऑफ गुड्स कास्टिंग 10,000 फॉर रूपीज 60,000, अब बताओ, सेल ऑफ गुड्स कास्टिंग 10,000 फॉर 60,000, बात समझ में आ रही है? 10,000 का गुड्स हमने बेचा, बात समझ में आई? और कितने बेचा? 60,000 में क्या होगा? बोलिए, फटाफट से बोलिए। क्यों? इनकम कहां फर्क पड़ता है यहां पर? यही तो बात है, जितने एलिमेंट चेंज होंगे हमारे उस रेशियो के, उससे मतलब है इनकम हैज बीन इंक्रीज, देयर इज नो रिलेशन। क्या मतलब है हमारा? बस जब हम बेच रहे हैं तो कैश बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर कुछ लिखा नहीं है। तो हमने जनरल एंट्री पढ़ाते हुए पढ़ाया था, आपको याद होगा। क्या याद होगा? कि अगर हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं और ये पता नहीं लग रहा कि कैसे किया गया है, तो उसे हम कैश अज्यूम करते हैं। मतलब हमारा जो है 60,000 का कैश बढ़ा है। आगे बढ़े, तो वो न्यूमरेटर का आइटम है, अगर वो बढ़ेगा तो हमारा रेशियो इंप्रूव होगा।
आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर को हमने बेचा जिसकी बुक वैल्यू 10,000 है, कितने में? 7,500 में। बताइए कैसे कैसे आएगा और फर्नीचर जाएगा वो ना, वो तो इसमें है ही नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ पर वो फर्नीचर की बात ही नहीं भाई, हमारी कोई कैसेट और करंट लाइबिलिटी में क्या फर्नीचर की कोई चीज है? नहीं है। तो क्या चेंज हुआ? कैश चेंज हुआ। जो कैश चेंज हुआ और वो कैश बढ़ा है, तो कैश बढ़ा है तो रेशियो बढ़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट किया गया, बताइए क्या डिक्रीज होगा? क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये 1.7 डिवाइडेड बाय 1 है। जब हम पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान देना है, पेमेंट कर रहे हैं तो ये क्या होगा? यहाँ पर कुछ कम होगा ना, कितना कम होगा? कितनी पेमेंट है? अमाउंट नहीं दिया है, मान लो 2,000, और यहाँ भी 2,000 कम हो जाएगा या नहीं? फटाफट से बताइए। डिविडेंड के रूप में जो हमारी लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब सवाल यह है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रुक जाओ। यहां पर मैं लिखता हूं 17,000, ठीक, और तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। मैं समझा रहा हूं अभी, ये रेशियो क्या बना? 1:7:1, सहमत, ठीक है। अब मैं इसमें से 2,000 माइनस करता हूं, 15,000, और इसमें से 2,000 माइनस करता हूं तो 8,000। क्या बेटा, 17,000 हुआ ना, 17,000 माइनस 2,000 करेंगे, अगर मैंने डिविडेंड 2,000 लिया है तो 15 ही तो आएगा। फिर अब इसको डिवाइड करके देखो कितना आता है, अब ये जो सवाल है ये मैथ का सवाल हो गया। नीत में समझा के हार जाऊंगा, लोग मानेंगे नहीं मेरी बात को। अब अगर हम डिवाइड करते हैं, 8 ये कितना साल, 1.8 मान लो, ऐसे आ रहा अपान 1, क्या हुआ? रेशियो बढ़ा कि सेम रहा? बढ़ गया। फिर अब इसमें कुछ सोचने जैसी बात तो रह नहीं गई है, ठीक है। अब अभी अगर ये ऐसे हुआ होता, ऊपर 10,000 होता और नीचे 15,000 होता, दो अगर मान लो 2,000, एक कोई एग्जांपल ले रहे हैं ना, ये 8,000 हो जाता और ये 13,000 हो जाता, तो डिक्रीज हो जाता। बात समझ में आ रही? अगर दोनों का सेम अमाउंट होता, 10,000 होता और 10,000 होता, तो सेम रह जाता। बात समझ में आ रही है या नहीं? इस पर ध्यान देना है, अगर सेम अमाउंट ऊपर और नीचे दोनों में कम हो रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करके चेक करना, अगर सेम अमाउंट ऊपर और नीचे दोनों ही कम हो रहे हैं तो रेशियो सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रेशियो सेम नहीं है तो जो ज्यादा है उसी तरफ इंप्रूव कर जाएगा, उसी तरफ बढ़ जाएगा।
सामने है, अब कुछ समझाने जैसा नहीं रह गया है, मैंने इसीलिए इसको ओरल नहीं बताया, इसको करके बताया है। बात क्लियर है? इसको जब करेंगे तो समझ में आएगा, और फिर इसके बाद पूछ लीजिएगा कैसे हो रहा है। ये नहीं खा हाँ हो गया और पता चला कि कुछ भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, फिर मिलते हैं।